श्री राम समर्थ अप्रैल 21। संत समागम का अर्थ है संतों की आज्ञा का पालन। कोई भी मंगल कार्य हो सर्वप्रथम गणपति का आवाहन किया जाता है और सारा कार्य समाप्त होने के बाद अंत में उसका विसर्जन करते हैं। उसी प्रकार अनुसंधान से ही पोथी का प्रारंभ करें और अनुसंधान से ही पोथी की समाप्ति करें। लौकिक कार्य में गणपति का विसर्जन करने के बाद हम बचे रहते हैं, पर अनुसंधान का विसर्जन करते समय हमें उसमें विलीन होना चाहिए। जैसा रखना हो वैसा रखो, किंतु मैं तुम्हें न भूलूं इतनी भीख मुझे दो। ऐसी गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करें। भगवान को भूलकर भजन मत करो। भगवान का स्मरण रखकर यदि सब्जी भी मंडी से ले आए तो भी उसकी सफलता अधिक है। संसार हमें क्या कहेगा, ऐसी लज्जा के डर से भगवान को हम दूर न करें। मैं कौन हूँ इसका विचार करें, और ऐसा विचार करने के लिए मैं किसी का भी नहीं हूँ इसका चिंतन करें। मैं अपने सगे संबंधियों पत्नी बच्चे माँ बाप का तो हूँ ही नहीं, लेकिन मैं अपनी देह और अपने मन का भी नहीं हूँ। और ऐसा सोचते सोचते जो बचेगा वह मैं हूँ। सच्चा संतोष अकेलेपन में है, इसलिए द्वैत का जनक अभिमान कैसे कम होगा इसका चिंतन करें। अतः मैं कर्ता नहीं हूँ, ईश्वर कर्ता है यह समझे। सभी प्राणियों में भगवान ही है यह सोचे और सत्समागम करें। सत्समागम का अर्थ है सत्य का समागम। सत्पुरुषों के वचनों पर विश्वास रखकर तदनुसार वृत्ति निर्माण करना ही सच्चा सत्समागम है। संतों पर अनन्य श्रद्धा रखे। वे जैसा आचार विचार करते हैं वैसा तुम करो। उनके समागम में दरिद्रता है ऐसा कभी मत मानो। जो लगातार तुम्हारे विषयों की पूर्तता कर देते हैं वे संत नहीं होते। सच्चे संत विषयों की आसक्ति कम कराते हैं। ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए। संत ही निर्विषय चित्त कर पाते हैं। संत ईश्वर के दर्शन की लगन पैदा करते हैं। लगन पैदा कर देना ही संतों का कार्य है। संतों की भाषा में लगन होती है, अतः वही भाषा हम में लगन निर्माण करती है। संत जैसा कहे वैसा आचरण करना चाहिए। संतों के बिना संसार असंभव है। जो देह धारण करके दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में जो देह के अतीत होते हैं वे ही संत होते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते, इसका कोई उपाय नहीं है। नाम के कारण ही संतों को पहचान पाते हैं, उसी के कारण उनका हमारा द्वैत मिटा पाते हैं और अभिन्नता स्थायी कर पाते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करेगा उसे भगवान से मिला देंगे, कहीं रुकावट नहीं होगी। किंतु जो केवल शब्द ज्ञान के फंदे में रहेगा, शब्द के अनुसार आचरण नहीं करेगा, उसकी आसक्ति कम नहीं होगी, उसका जीवन सफल नहीं होगा। आज का मुख्य विचार, जब संत हमें अपनाते हैं तब वह हमें हर संभव संभालते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.